हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिरनी, तो जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से ये बासमती राइस जो होता है वो मैंने हाफ कप लिया है, तो हाफ कप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने सोक करके रख दिया था इसको ओवरनाइट। आप ओवरनाइट नहीं करना चाहते तो आप इसे कम से कम 4 से 5 घंटे इसे सोक करने के लिए रख दीजिए, पर इसमें बासमती राइस ही ज़रूरी है, आप कोलम या कोई और राइस से मत बनाइए। तो ये हाफ कप के लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, ठीक है। अगर आपको हाफ लीटर मिल्क में बनाना है तो आप ये 1/4 कप लीजिए राइस। देखिए, इस तरह से कोई भी स्ट्रेनर जो रहेगा, छलनी रहेगी, उसमें आप इस तरह से 5 मिनट तक कम से कम इसे रखिए, इस तरह से 5 या 10 मिनट, जब तक हमारा ये मिल्क बॉयल हो रहा है। ये मिल्क जो है वो बॉयल हो गया है, अब इसे मैंने स्विच ऑफ कर लिया है थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे पाउडर फॉर्म में कोर्सली इसे ग्राइंड किया है विदाउट एडिंग एनी वाटर। तो ये इसमें मैं ऐड करती हूँ अभी। ये इस टाइम पे मैंने गैस को इसलिए ऑफ करके रख दिया है क्योंकि इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए इसके लिए। अब मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर लिया है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो 1 लीटर के लिए 1 कप। फ्लेम को मीडियम पे रखिए, फास्ट मत एकदम। देखिए, इस तरह से इसे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है, तो इस तरह से मैंने कंटिन्यू इसे हिलाया है। और बाद में मैंने इसे फ्लेम को स्लो पे कर दिया था, पहले मीडियम पे थी, बाद में थोड़ी देर से मैंने इसको स्लो पे रख दिया है ताकि इसमें नीचे मतलब जलना नहीं चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा हो जाता है ये। अब मैं इसमें डालूंगी रोज़ वाटर, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिए। 2 टीस्पून तक। और आपको अगर इसमें इलायची पाउडर अगर किसको पसंद है तो आप वो भी इस टाइम पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, हम लोगों को नहीं इतना पसंद आता इसके लिए, तो ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए आप। बस इसे और 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर इसे हम फेरनी के जो बाउल्स आते हैं उसमें हम इसे निकालते हैं। देखिए, इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से ये शिकोरा जो आते हैं फेरनी के लिए, ये आजकल मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो इसमें मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कोई भी बाउल में इसे निकाल सकते हैं। तो ये जब गर्म है इसे तभी इस वक्त डालना है। तो ये जो रेसिपी है इसमें मेरे 10 बनकर तैयार हो गए हैं, इस तरह से जो है वो मैंने 10 बनाया है। तो अभी मैं इसे गार्निश करूँगी, इस तरह से मैंने काजू और बादाम को इस तरह से ग्रेट करके लिया है, चॉप करके बारीक, तो दोनों मिक्स है, ये ऑप्शनल, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिए। तो इस तरह से सारे फेनी को मैं इस तरह से गार्निश करूँगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने केसर लिया है, तो केसर को भी मैं जो सैफ्रन आता है उसको भी इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मसल के और फिर इसे इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी। तो ये जब सेट हो जाता है ना, तो इसमें जो फेरनी का जो कलर आता है ना, जो थोड़ा सा येलो जो केसर का, वो आ जाता है सेट होने के बाद। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे नॉर्मल मतलब होने के बाद हम इसे फिर फ्रिज में रखेंगे नीचे। देखिए, इस तरह से सारी फेरनी बनकर तैयार है। आप ज़रूर बनाइए ये रेसिपी को। आप आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।